तो और वही लोग, क्या हाल चाल? होप सभी एकदम बढ़िया होंगे यार, फर्स्ट क्लास। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप हर बार की तरह वीडियो पे आके लाइक करते हो। तो देखो गाइस, यहाँ पे आज मैं MIUI 12 के ऊपर टॉप 4 थीम सजेस्ट करने वाला हूँ, एंड आपका जो फ़ोन का लुक होने वाला है यहाँ पे एकदम से न्यू हो जाएगा। तो देखो गाइस, यहाँ पे जो UI होगा वो एकदम से चेंज हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे MIUI के रिलेटेड मैं वीडियो लेके आते रहता हूँ, और आपको इस चैनल पे MIUI के थीम के ऊपर वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे, और मैं इस चैनल पे आपको बेस्ट फोन जो है वो भी मैं सजेस्ट करने वाला हूँ आने वाले वीडियो में। तो देखो गाइस, यहाँ पे हम अपने फर्स्ट थीम को अब अप्लाई करते हैं और आपको दिखाता हूँ उसका इंटरफेस। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे जो है पहली थीम वो OnePlus के ऊपर होने वाला है, क्योंकि अगर आप OnePlus का ज्यादा ही फैन हो तो इस थीम को एक बार अप्लाई करके जरूर से ट्राई करिएगा। तो देखो, इसकी डायलर ऐप आपको रेड एंड व्हाइट में देखने के लिए मिल जाएगा, एंड इसकी कॉलिंग स्क्रीन में कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर साथ ही में मैं सजेस ऐप देखते हो तो सेम टू सेम आपको डायलर ऐप की तरह ही देखने के लिए मिलते हैं। सो अगर यहाँ पे प्रीसेट जो है मैसेज का वो भी चेंज किया गया है, और यहाँ पे अगर इसकी नोटिफिकेशन देखते हो और कंट्रोल सेंटर देखोगे तो यहाँ पे फुल्ली डार्क रेड एंड येलो कलर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कंट्रोल सेंटर, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा लगता है। बाकी अगर इस थीम में अगर सेटिंग्स ऐप देखोगे तो वो आपको डिफ़ॉल्ट की तरह देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे साथ ही में अगर लॉक स्क्रीन देखोगे तो यहाँ पे जो वॉलपेपर है वो OnePlus का ऐड किया गया है। तो बात आती है इस थीम की नेम की, तो इस थीम का नेम है OnePlus MC Laren। अब आती है हमारी सेकेंड थीम, जिसका होम स्क्रीन एंड इसका जो आइकन्स पैक है वो आपको स्मॉल एंड राउंड सर्कल में देखने के लिए मिलता है। सो अगर इसकी हम बेस्ट फीचर की बात करें तो इसमें आपको लॉक स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा। उससे पहले अगर हम इसकी डायलर ऐप एंड कॉलिंग स्क्रीन की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉलिंग स्क्रीन एंड डायलर ऐप दोनों को चेंज किया गया है, और साथ ही में अगर इसकी मैसेजेस ऐप देखोगे तो इसमें भी हल्का सा रीडिजाइन किया गया है। सो अगर इस थीम की वॉल्यूम कंट्रोलर देखोगे तो इसमें भी आपको चेंज कर दिया गया है, जो देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। एंड गाइस, यहाँ पे अगर इस थीम में कंट्रोल सेंटर वगैरह देखोगे तो यहाँ पे जो टॉगल्स का कलर है वो एकदम से न्यू लुक में आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड यहाँ पे आपको जो भी टॉगल्स को ओपन करते हो तो यहाँ पे वो भी कलर हो जाता है, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा लुक ये दोस्तों थीम प्रोवाइड करता है। और अगर इसकी हम बात करते हैं जैसे कि और भी फीचर की, तो इसमें मैंने बताया था कि बेस्ट फीचर हमें लगता है इस थीम की लॉक स्क्रीन, क्योंकि अगर आप म्यूज़िक प्ले ज़्यादा ही करते हो तो इस थीम की लॉक स्क्रीन को एक बार ज़रूर से चेकआउट करिएगा, क्योंकि इसमें स्लाइड करते हैं राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में आपको म्यूजिक प्लेयर एक शॉर्टकट कंट्रोलर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इससे आपका फोन का लुक वो हमेशा टॉप लेवल पे रहेगा, और यहाँ पे जो चार्जिंग एनिमेशन है वो भी कुछ इस तरीके से शो करता है। बाकी हम बात करते हैं इस थीम की नेम की, तो इस थीम का नेम है Xeon Rounded V2। और अब हमारी बात आती है लिस्ट के थर्ड थीम की, जिसका होम स्क्रीन एंड आइकन्स पैक एकदम गूगल से इंस्पायर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप किसी भी फोल्डर को देखोगे तो एकदम सेम टू सेम गूगल वाला देखने के लिए मिल जाएगा, एंड यहाँ पे अगर डबल क्लिक करोगे तो काफ़ी ज़्यादा वॉलपेपर यहाँ पे ऐड किया गया है, जो आप चेंज कर सकते हो। बात करते हैं इस थीम की आइकन एंड इसकी नेटवर्क सिग्नल एंड बैटरी परसेंटेज की, तो यहाँ पे जो है आपको टोटली रीडिजाइन कर दिया गया है। नेविगेशन बटन को अगर आप देखोगे तो उसको भी चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की, तो कुछ वाइट कलर्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही में कंट्रोल सेंटर की बात करते हैं तो ये आपको एंड्रॉयड 12 का पूरा लुक देता है दोस्तों थीम। और यहाँ पे अगर देखोगे आप तो किसी भी टॉगल्स को ओपन करोगे तो वो कलरफुल में हो जाएगा। सो अगर इसकी लॉक स्क्रीन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड गूगल से इंस्पायर्ड आपको लॉक स्क्रीन देखने के लिए मिलता है, जो कि आप डबल क्लिक करके म्यूजिक भी प्ले कर सकते हो। एंड अगर इसकी हम बात करते हैं सेटिंग्स की, तो यहाँ पे म्यूजिक प्लर जो है इफेक्ट आप डाल सकते हो, कि यहाँ पे जैसे इनेबल कर दोगे तो डबल क्लिक
क्लिक करते हो आप तो म्यूजिक जैसे ही प्लेयर ओपन होगा वो बैकग्राउंड जो है वो पूरी तरीके से ब्लर हो जाएगा। अगर आज हमारी वॉइस को अगर आप सुन रहे हो तो आपको पता होगा कि आज चेंज सा लग रहा होगा, तो एक्चुअली मेरा गला थोड़ा सा खराब है। एनीवेज बात करते हैं थीम की, तो यहाँ पे इस थीम की अगर डायलर ऐप को देखोगे तो टोटली रीडिजाइन कर दिया गया है, और मैंने पहले भी बताया कि ये आपको गूगल की तरह देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे गाइस आपको जो वाइट बैकग्राउंड होता है उसको भी एकदम से रीडिजाइन कर दिया गया है, और यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोलर में कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सो अगर इसकी नेविगेशन बटन वगैरह बोलोगे तो वो भी चेंज कर दिया गया है। इस थीम का नेम है दोस्तों एंड्रॉयड 12 प्रो मैक्स। आप इस थीम को इजीली डाउनलोड कर सकते हो थीम स्टोर से। सो हमारा लास्ट थीम जो है वो भी अप्लाई हो चुका है, एंड अगर इसकी हम होम स्क्रीन की बात करें तो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा, और इसकी क्लॉक विजिट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कूल सा लग रहा है। सो अगर इसकी नेविगेशन बटन की बात करते हैं तो वो पूरी तरीके से रीडिज़ाइन कर दिया गया है, और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर अगर देखोगे तो एक ही कलर में आपको जो टॉगल्स ओपन करते हो आपको सेम कलर में ही देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पे डायलर ऐप की बात करते हैं तो कॉलिंग स्क्रीन एकदम से चेंज कर दिया गया है। सो इसको आप ज़रूर से ट्राई करिएगा कॉलिंग स्क्रीन के लिए, और साथ ही में मैसेजेस ऐप में भी रीडिज़ाइन किया गया है। तो देखने में गाइस ओवरऑल थीम ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो अगर इसकी हम लॉक स्क्रीन की बात करें तो ये काफ़ी यूनिक एंड ब्यूटीफुल लुक देता है चार्जिंग एनिमेशन में, जो देखने में गाइस काफ़ी ज़्यादा कूल सा लगेगा आपका फ़ोन का लुक। और इस थीम की नेम की बात करें तो इस थीम का नेम है ओप्पो रेनो एस, एंड इसका स्पेलिंग ACE, बस इतना आपको लास्ट वाला टाइप करना पड़ेगा ओप्पो रेनो के बाद। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और सबसे अच्छी थीम कौन सी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।